अपने पापा का रूम, मेरे पापा मीन्स फादर इन लॉ का रूम थोड़ा सा डेकोरेट करने जा रही हूँ। उनके लिए सबसे पहले मैं एक ये पेंटिंग लाई हूँ। मुझे शॉप में जाके बहुत सुंदर लगी ये पेंटिंग। और सबसे बड़ी बात है ये सेवन हॉर्सेस हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे सेवन हॉर्सेस किस चीज का सिंबल है। ये सक्सेस, स्ट्रेंथ, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का। तो इसलिए मैंने सोचा कि पापा के रूम में मैं ये लगा देती हूँ। तो अभी मैं इसको अनकवर करके सबसे पहले पापा के बेड के जस्ट बैक में, बैक साइड में ये लगा देती हूँ पेंटिंग। इसको अनकवर कर देती हूँ मैं। ये पेंटिंग एक्चुअली काफी हैवी थी, इसलिए इसमें मुझे गुन्नू की हेल्प लेनी पड़ी। अभी लगा देती हूँ मैं इसको, आप देखिए उसके बाद कैसी लगती है। ड्रिल करके मैंने ये होल्स पहले करवा के हुक लगवा दिए थे, जिससे कि मैं आने के बाद में इसको लगा दूं। हाँ तो अब पेंटिंग तो लग गई है। अब मैं पापा का बेड साफ करके ये पिलोज वगैरह लगा देती हूँ। एक्चुअली पापा ना बहुत कम चीजें पसंद करते हैं, उन्हें ना ज्यादा चीजें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए उनके लिए मैं कभी सामान रखती हूँ जिसमें वो खुश रहें। इसमें पेंटिंग का लुक देखिए आप बेड के ऊपर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये टेबल लैम्प बच्चे लेके आए थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो में। ये लोकल शॉप से लेके आए थे बच्चे, काफी रीजनेबल रेट्स में। मैंने अमेजोन पे भी देखी थी लेकिन लोकल शॉप पे अच्छे मिल गए तो बच्चे ले आए थे। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं पापा के रूम में ही लगा देती हूँ। आगे काफी सुंदर है, काफी शाइनी है ये। काफी अच्छे ढंग से बैठी हुई है। देखिए ये मैं इसको पापा के साइड टेबल्स पे लगा देती हूँ। एक पेंटिंग और दो टेबल लैम्प से इस वॉल का लुक हो गया कंप्लीट। मुझे तो काफी सिंपल, सोबर, अच्छा लग रहा है, बहुत एलिगेंट सा लग रहा है। अब आप देखिए और आप अपने सजेशन दीजिए मुझे प्लीज। ये जो स्पेस है, पहले पूरे ड्रॉर्स ऊपर तक वो बना रहे थे कारपेंटर, लेकिन मैंने ये स्पेस छुड़वाया था। तभी मैंने प्लान किया था यहाँ एक सुंदर सा वास मैं रखूंगी। अभी जैसा मैं चाहती थी वो तो नहीं है फिलहाल, मैं जो बच्चे खरीद के लाए थे वही अभी रख रही हूँ। उसके बाद मुझे कोई बड़ा सा मिलेगा तो वो मैं यहाँ पे रख दूंगी। फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही ये कैरम फायर भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये रोज के साथ में कैरन का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल कंट्रास्ट, लेकिन अच्छे लग रहे हैं दोनों, है ना।
रोज का जो कलर है उसके साथ गोल्डन कलर ये भी काफी सूट कर रहा है, तो ये सोचते हुए मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। आप बताइए कैसा लग रहा है। एक रग यहाँ पर बिछा देती हूँ मैं और इसको फाइनल टच दे देती हूँ पापा के रूम को। हाँ भाई साहब, आपकी कमी थी, ये जरूर हमारे साथ साथ घूमेगा, जहाँ भी मैं रहूंगी वहां बस इसको चाहिए, काम नहीं करने देना है, हैं? एक चीज जो मैं नहीं कर पाई, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने जब ये मेडल्स निकाले, पापा के ये मेडल्स हैं जो उन्हें सर्विस के दौरान और वॉर जो उन्होंने लड़ी है उनके ये मेडल्स मिले हुए हैं उन्हें, बहुत वैल्यूएबल हैं। जब ये चेस्ट पे लगते हैं ना तो एक अलग ही अंदाज होता है और एक अलग ही पावर आ जाती है, मुझे तो देखने से ही आ रही है, जब पापा लगाते होंगे यहाँ सीने पे तो उन्हें कितना प्राउड होता होगा। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर आर्मी में जाती। एनीवेज अब तो लाइफ निकल गई, कोई नहीं, नेक्स्ट जन्म में देखूंगी, है ना। तो अभी जब मैंने ये निकाले तो इसका कपड़ा आप देख रहे हैं खराब हो गया था काफी ना, तो मैंने डिसाइड किया, पहले मैं सोच रही थी इसको ना मैं फ्रेम करवा दूंगी, दो तीन चीजें हैं पापा के ये मेडल्स हैं वॉर के टाइम लॉन्ग सर्विस के ये मिले हुए हैं, इसके अलावा ये भी है एक छोटे मेडल्स है ना ये लॉन्ग सर्विस के ये मिलते रहते हैं, तो ये चीजें हैं, ये पापा की पोस्ट है, ये अशोका है ना, तो मैं इनको भी फ्रेम करके जो है लगा दूंगी, है ना, और कहीं भी उसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी इस तरीके से, ये तो एक फ्रेम में ये सारी चीजें लगा लूंगी। एक ये वॉर मेमोरियल है जो पापा को मिला था, इसको तो मैं अभी ऐसे ही प्लेस कर देती हूँ टीवी पैनल पर, और एक ये है उन्हें 72 आर्मर्ड रेजिमेंट से मिला हुआ है, तो ये सारी चीजें मैं उनके रूम में लगा देती हूँ जिससे कि उन्हें एक अच्छी फीलिंग आती रहे और उन्हें बार बार ये चीजें याद दिलाती रहे कि उन्होंने कितने ब्रेवरी के वर्क किए हैं। और इसके साथ ही जो है और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे लानी है, एक एक करके मैं लाती जाऊंगी और धीरे धीरे पापा के रूम को चेंज कराती जाऊंगी। अभी तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज लगाई है क्योंकि पापा को ज्यादा चीजें पसंद नहीं है, और आप लोगों का भी सजेशन था कि घर को कम से कम चीजों से ही सजाएं, तो मैंने वो माइंड में रखा, इसलिए मैं बहुत ही कम चीजों से पापा का रूम तैयार किया है। आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा, और पापा भी पूजा कर रहे हैं और पूजा करके आएंगे तो उन्हें दिखाऊंगी, अगर उन्होंने कह दिया अच्छा है तो फिर अच्छा ही है। टीवी पैनल पे यहाँ पे रख देती हूँ, एक्चुअली अभी इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम पेंडिंग में है, जैसे वो लाइट्स वगैरह लगनी है, अभी उसे टाइम नहीं मिल रहा है, अपना घर बनवा रहा है वो, जब आएगा तो इन सबको मैं अंदर कर दूंगी, अंडरग्राउंड करवा दूंगी और फिर ये यहाँ से पैनल खाली हो जाएगा, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और इसको इस तरीके से ये मैंने पापा की बुक्स रख दी है नीचे, पापा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, ये पापा की बुक्स रखी हुई हैं, पापा रिलीजियस बुक्स बहुत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत उन्होंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, श्री गर्ग संहिता है, वो सुबह अखबार पढ़ने के बाद सारे दिन बुक्स पढ़ते हैं, ये फिलहाल हमने सदगुरु की उन्हें मंगा के दी थी, ये भी पढ़ते रहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश है, यथार्थ गीता है, रामचरितमानस भागवत इंग्लिश में है, भागवत गीता इंग्लिश में है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है उन्हें तो वो डिक्शनरी ही पढ़ते रहते हैं। और मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, उन्हें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 99% याद है, और आप कहीं से भी उनसे पूछ लीजिए मीनिंग वो खड़े खड़े बता देते हैं, तो मेरे कुछ जो स्टूडेंट थे वो हमेशा ये कहते थे अंकल चलती फिरती डिक्शनरी है, तो वाकई में वो बहुत ही लर्नेड मैन है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है जब वो इस स्टेज तक पहुंचे, और उनकी वजह से आज हम लोग भी एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ बिता रहे हैं।
गया पापा का रूम फाइनली रेडी, बहुत कम बजट में और बहुत कम मैंने इसको डेकोरेट किया है। आई होप आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके जब सजेशंस आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग रहती थी, ना मैं फेसबुक मेंटेन करती थी, ना इंस्टा पर कभी एक्टिव होती थी, बिल्कुल इनएक्टिव होती थी, व्हाट्सएप भी बहुत रेयर चलाती थी जब बहुत जरूरी होता था। लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की बातें मुझ तक आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और वाकई में मजा आ रहा है अभी। ये देखिए फाइनल लुक।